अब दिल्ली नहीं है दूर, क्योंकि अब दिल्ली की सुविधाएं मिलेंगी आपको अपने शहर आगरा में। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुष्मान हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, जहां आपको मिलती है दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर संजीव यादव व उनकी टीम के निर्देशक में ढेर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक्सीडेंटल एंड ट्रोमा केयर सेंटर, हार्ट केयर सेंटर, न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पेट आंत लीवर गुर्दा रोग क्लिनिक, दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, स्त्री रोग व बांझपन विशेषज्ञ। एड्रेस सिकंदरा बोडला रोड, भावना मल्टीप्लेक्स के सामने, सिकंदरा आगरा। कॉन्टेक्ट नंबर 9719272225। एक जनवरी से खुसरो डिग्री कॉलेज सरोरी व ग्रेन के मैदान पर चल रहे छठवां खुसरो कैंप क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरा क्वार्टर फाइनल सिद्ध बाबा इंटर कॉलेज वरोलिया बदायूं तथा शहीद क्रिकेट क्लब बरेली के बीच खेला गया। टॉस बरेली ने जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 10 विकेट पर 218 रन बनाए। बरेली 115 रन से जीत गई। बरेली के बंटी को मैन ऑफ द मैच संपादक वेद भानु आर्य, ब्यूरो चीफ देवेश मिश्रा ने प्रदान किया। मुख्य अतिथि वेद भानु आर्य ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, कहा कि क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है जो सबसे ज्यादा खेला जाता है। खेल प्रतियोगिता लग्न और मेहनत से जीती जाती है। बरेली तथा विसौली सेमीफाइनल में पहुंच गई। तीसरा क्वार्टर फाइनल 9 जनवरी को गौरी शंकर इंटर कॉलेज व ग्रेन तथा डीपी सिंह इंटर कॉलेज महमूदपुर बरेली के बीच खेला जाएगा। मैच के दौरान मैनेजर प्रशांत गुप्ता, ब्यूरो चीफ देवेश मिश्रा, ठाकुर वेदपाल सिंह, शिवम प्रताप सिंह, मुनेंद्र सिंह, दानवीर सिंह, अरुण शर्मा, राहुल गुप्ता, ब्यूरो चीफ फास्ट न्यूज के पत्रकार बंधु मौजूद रहे। सर, खुसरो डिग्री कॉलेज में आज मुख्य अतिथि बतौर आप आए, यहाँ की जो टीम, आज दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ, क्या कहना चाहेंगे दूसरी टीम के लिए जो जिस टीम ने जीत हासिल की है? टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया था, उनका खेल देख के ऐसा लगा कि वो चैंपियन की तरह खेल रहे थे। दूसरी टीम की थोड़ी बॉलिंग और फील्डिंग थोड़ी उनकी सही नहीं रही, इस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके खिलाड़ी भी अच्छा खेल रहे थे। और जीतने वाली टीम तो फिर हमेशा अच्छी होती है, उसकी सब गलतियाँ छुप जाती हैं, क्योंकि जो हारता है उसी गलती निकाली जाती है, जीतने वाली कोई गलती नहीं निकाली जाती, जीतने वाली टीम को हमारी शुभकामना। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप हारने वाली टीम को क्या अलग संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश यही है कि वो अपने आप के खेल में सुधार करें, और जो भी खेल खेलता है आदमी, उसमें अपने आप को, आदमी को पूरी तरीके से जुझारू होना चाहिए। खेल को खेल की तरह केवल नहीं लेना चाहिए, चैंपियन बनने आए चैंपियन की तरह खेलना चाहिए था, जिससे वो आगे बढ़ पाते। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।